164 का बयान जो है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? 164 का बयान जब दर्ज किया गया है उन बच्चियों का, जिसको ये बता रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गई थी, तो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये सफाई दे रहे हैं कि जो बेटियां अगर अपनी मर्जी से भी जाएंगी तो उनके ऊपर अगर उनका रेप किया जाता है, उन बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, अगर उनका रेप किया जाता है और वो ये कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से गए थे, कोई अगर किसी के साथ मर्जी से जा रहा है तो वहाँ पर उस पर किडनैपिंग का केस नहीं हो रहा है लेकिन रेप का केस किया जा रहा है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कोई अगर मर्जी से गया है तो किडनैपिंग का केस नहीं है, लेकिन रेप अगर वो कर रहे हैं तो रेप की धाराएं हैं, तो उसका एक्सक्यूज ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गई थी? तो किसने कहा रेप किस तरीके की बातें हो रही है? 164 के स्टेटमेंट में लगी हुई है, नहीं किसी ने भी ये बात नहीं कही कि रेप की धारा मैं किडनैपिंग की लगी है क्या? पढ़ तो लीजिए आप क्या कार्रवाई हुई। मैं कह रही हूँ किडनैपिंग की लगी है क्या?